गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्रू जैक असेंबली का पार्ट नंबर 2 नट। ठीक है, अब आपने पहले से पहले जो मैंने ड्राइंग अपलोड कर रखी है, ड्राइंग रीडिंग की वीडियो, उसको आपने देख लिया होगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बनाना इजी है। ठीक है, तो स्केच यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। स्केच करने के बाद हमेशा हमने प्लेन सेलेक्ट करना है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद जब हम प्लेन पर आ जाएंगे तो पहले प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में हम रेफरेंस लेंगे जो ओरिजिन में होगा हमारा पार्ट के अंदर। ओरिजिन यहाँ क्लिक करेंगे, हम लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सेंटर पॉइंट। ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है जिसके बेस पे हम सारी ड्राइंग बनाएंगे, ताकि हमारी जितनी भी ड्राइंग बनेगी वो ड्राइंग हमारे पॉइंट गिवन होंगे कि कहाँ से कहाँ रेफरेंस है, ताकि आगे आने वाले इसके ऊपर जो पार्ट्स बनेंगे, असेंबली बनेंगे, वो शिफ्ट ना हो, फेल ना हो के जाके। ठीक है, तो अभी हम देखो इसको जो आपने ले लिया है प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, ठीक है, इसी को आप सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से जरूरी नहीं आपको लाइन बना के ही करना है, आप उसी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन लेके शुरू कर रही है। हमारे पास 45 की हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, तो 45 लेंथ का आइडिया से कर लेते हैं कि 45 हमारी लेंथ हो जाएगी। उसके 50 का हमें चाहिए था, तो है ना, रफ बना रहे हैं अभी। ठीक है, ये बना लेने के बाद आपने डायमेंशनिंग करनी है। ठीक है, ये आपका स्केयर थ्रेड के लिए है, 20 है आपका। ठीक है, ये आपका 25 है, ये आपका 44 आता है अगर आप लेते हो यहाँ से यहाँ, वो भी अगर आपका ये सर्कल की शेप में है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल मानते हैं, टेंजेंट सर्कल। ठीक है, 3 पॉइंट टेंजेंट सर्कल बनाने के बाद ट्रिम कर लेना एक्स्ट्रा एजेस को। अब आप डायमेंशन ले सकते हो इसके आउटर पॉइंट से यहाँ तक की, जो कि 44 है। ठीक, अब आपके पास पूरी लेंथ जो गिवन है वो 45 की है, ऊपर लाइन की लेंथ है 9, और हमारे पास जो ये रेडियस आएगा ये 4.5 आएगा, डाया 9 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोफाइल पूरा रेडी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ना आपके पास, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर आपने पहले ड्राइंग रीडिंग कर ली है तो आपको याद रहेगा कैसे आपने कैसे करना है। ठीक है, वैल्यू क्या क्या आएंगी, करने से आपको आ जाएगा याद। अगर हाथ से बना के देखते हो तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब सपोज करो मेरे पास 4.5 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं। मेरे पास जो डायमेंशन गिवन है बाय डिफॉल्ट तो हमने वही पिक करनी होती है। ठीक है, तो मैं 9 पिक कर रहा हूँ, फुली कंस्ट्रेंट हो गया मेरा। फिनिश स्केच कर रहा हूँ, यहाँ पर रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करूँगा। रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करते ही कहते हैं सबसे पहला काम वो अपने आप क्लोज फिगर को पिक कर लेगा। आपको एक्सिस सेलेक्ट करनी है, एक्सिस सेलेक्ट करने पे आपका पूरा पूरा पोर्शन जो है वो 360 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमें इतना ही चाहिए, ऐसे चाहिए हमें। इसे ओके कर लिया हमने। ओके करने के बाद हमारे पास हमने आगे काम करना है, थ्रेड कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, उसमें स्केच पर जाएंगे, क्योंकि प्रोफाइल हमारा मैट्रिक नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 3D मॉडल के अंदर, या हमारे पास थ्रेड की ऑप्शन है, हम वो पिक नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्केच के अंदर। तो विजुअल स्टाइल के लिए आप यहाँ से विजुअल स्टाइल डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, वायर फ्रेम, या फिर आप व्यू के अंदर जाके या विजुअल स्टाइल से आप ये ऑप्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे भाई, हम प्रोजेक्ट ज्योमेट्री करेंगे। एक तो हम एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम ये लाइन भी ले लेते हैं, इसके अराउंड हमें काम करना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल इसके रेफरेंस से ले रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगल बनाया है मुझे, ये पूरा पूरा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन को भी बंद कर देंगे हम।
अब इसकी साइड हमें इक्वल चाहिए क्योंकि हमें स्केयर चाहिए, तो हम कॉन्स्टेंट लगा देंगे स्केयर का, इसकी वैल्यू जो है हम 3 लेंगे, ठीक है। वो 3 लेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आगे काम करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को पूरे को हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मूव के ऑप्शन हमारे पास, उस मूव के ऑप्शन को सिलेक्ट करना, बेस पॉइंट इसके रेफरेंस चाहिए हमें थोड़ा सा साइड पर। एक लाइन ले आएंगे हम यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। अब इस लाइन को हम वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये फ्रंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेटा हुआ है हमारे पास। तो हमारा जो वाई होगा वो हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक्स हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डायमेंशन ले लेते हैं 1 mm, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने इसको कट करके अंदर तक लेके जाना है, तो इसलिए बाहर बना रहे हैं। अगर अंदर बनाएंगे तो अंदर से कटिंग करेगा, हमारी ऊपर वाली एज रह जाएगी, जैसे हमारी ओपनिंग या क्लोजिंग का हो गया, ठीक है। फिनिश कर रहा हूँ स्केच को, करने के बाद व्यू में जाके व्यू स्टाइल में आप इसको शेडेड विद एजेस कर सकते हो, ठीक है। अब 3D मॉडल के अंदर आपके पास कॉयल के ऑप्शन है, ठीक है। कॉयल के ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोफाइल पिक कर रहा है, एक्सिस मांग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये एक्सिस है, ठीक है। अब वो कह रहा है पिच की हाइट क्या है, पिच मेरी 6 mm की है, हाइट मैं दे रहा हूँ 50, या आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हो, चॉइस आपकी है, क्योंकि थ्रू आउट करना है हमें, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। हमने कट करना है तो कट वाला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वो प्रोफाइल कट कर दिया। अब दिक्कत ये आती है कि हमें बनाने के बाद ही चेक करना होगा कैसे चेक होगा, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग जो है वो हमारे पास कट सेक्शन में आ रखी है, ठीक है, हाफ सेक्शन कट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा रेवोल्यूशन था, हम इस रेवोल्यूशन को यहाँ पर 270 डिग्री कर लेंगे, अब अगर आप चेक करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर इस ड्राइंग के हिसाब से। ये कट सेक्शन के हिसाब से आपका बनाया, ठीक है। हमने 3M क्यों लिया था, क्योंकि 3 और 3 से हमारा 6 बनाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास गैप दिखा रहा है कि 3 mm का थ्रेड है और 3 mm की इसके पास स्पेस है, तो इसलिए हमने 3M का स्केयर लिया है, 6 का नहीं लिया। अगर 6 का लेंगे तो पूरा काट ही देगा, खाली कर देगा, ठीक है। तो आपको वो भी दिखा देता हूँ कि खाली कैसे करता है वो, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं हम उसको। यहाँ पर जैसे स्केच था मेरे पास 3 का, इसकी वैल्यू 3 है, इसको मैंने 6 कर दिया। पहली बात तो आपके प्रोफाइल से बाहर चला जाएगा, और जब कटिंग करेगा तो इसको यहाँ से काट देगा पूरा। कैसे काटेगा आपको दिखाता हूँ, ऐसे दिखाएगा आपके पास प्रोफाइल, ठीक है, तो आपके काम का नहीं होगा। तो हमें चाहिए बराबर, जो कि हमें ड्राइंग के हिसाब से चाहिए, तो हम इसको 3 लेके चलेंगे अभी, ठीक है। और मेरे को कोल्ड हो रखा है, ठीक है, तो थोड़ी आवाज वैसी आएगी तो मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर 3 और 3 के हिसाब से आपका बनाया, ठीक है। सेम प्रोफाइल आपका बन गया है, 88 आउटसाइड से है, ठीक है, 50 आपका ऊपर वाला है, 99 इसकी आपकी डेप्थ हो गई है, ओवरऑल 45 है, ठीक है। और थ्रेड जो आपका स्केयर 40 × 6 राइट हैंड साइड है। चलो गाइज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 स्टेप्स के अंदर, रेवोल्यूशन एंड कॉयल के अंदर। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट की ड्राइंग के अंदर, हमारा पार्ट नंबर 3 है इसके बाद, जो कि हमारा स्क्रू है, ठीक है। चलो गाइज गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।